बहुत ही जबरदस्त भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आज हम आपको ट्राई करवाएंगे समोसा। समोसा यार, ये तो हमारी चीज है, हमारी पहचान है, हमारे गांव की। ये तो हम लोग जब रमजान का महीना होता है तो हम लोग ये खुद घर में बना के पका के खाते हैं रोजाना। वाओ, समोसे भाई। समोसे तो मैं ट्राई नहीं करूंगा बल्कि खाऊंगा, क्योंकि समोसे तो मैं शौक से खाता आ रहा हूँ। बचपन में भी जब स्कूल जाता था तो मैं दो समोसे लिया करता था, तो दोस्त, क्योंकि वैसे तो मैंने 4-5 क्लासें पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ा। वैसे यार, इसका मतलब आज हम शाम का नाश्ता करेंगे समोसे के साथ, तो फिर जल्दी से ले आओ यार, हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएं हमारा समोसा। बहुत ही खूबसूरत। वैसे इस समोसे को तो लगता है जैसे बुखार हुआ हो, पूरा लेटा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त। ये तो बड़े शौक से ट्राई करूंगा। ये तो मुझे पता है आलू वाले, लेकिन ये क्या है? क्योंकि ये हम अक्सर जब छोटे होते थे तो इसमें दाल वाले समोसे खाया करते या सब्जी वाले, तो आजकल तो खैर चिकन भी डाल दिया है, गोश्त भी डाल दिया है, तो ये मैं पूछना। कीमे वाले? अच्छा, कीमे वाले यानी कि गोश्त के हैं। किस्मत कौन गई है जो ये रमजान का नाश्ता आज हमें मिल गया रमजान के महीने में। समोसा बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि अगर घर में भी कभी खाना वगैरह लेट होता है तो बच्चे वगैरह को भूख लगता है उनको और खाना तैयार नहीं होता, तो ये बाहर से एक आध समोसा लेकर खा लेते हैं। जबरदस्त, और गर्मा गर्म ऐसे तपस्त ऐसी आ रही, ताज़े ताज़े गर्म गर्म पूरे में यार। जितने मसाले ज़्यादा होंगे इतना जायका इसका ज़्यादा होगा, तो इसलिए मुख्तलिफ बनाते हैं। अगर कोई चाहता है कि हमारा मतलब समोसे ज्यादा बिके तो अच्छे समोसे वो मसाले डाले। हम कभी अमेरिका का खाना इसी टेबल में खाते हैं, कभी लंदन का खाते हैं, हर मुल्क का खाते हैं। आज तो उनको बताना चाहता हूँ कि हम अपने मुल्क की चीज खा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त है ये, बारिश के मजे में तो बहुत ही मजा करते खाने में। वाओ जबरदस्त, ये देखें ये कीमे का, ये तो मेरा ख्याल में मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को देखने में भी पानी आ रहा होगा मुंह में। बहुत ही जबरदस्त भाई, प्योर कीमा डाला हुआ है इसमें, यानी कीमे के साथ प्याज भी है और सब मेरे खाने की चीज है, ये सिर्फ कड़क है इसलिए। इसमें सर जो ये आलू डाला हुआ है ना मसाला, ये एक डिश है मैशेड पोटैटो, आपको वो भी अगली वीडियो में ट्राई करवाएंगे, और वो भी आलू की बनाई जाती है, आप ट्राई करेंगे अगली वीडियो में? मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा, आज भी मुझे मजा आ रहा है, तो अगली वीडियो में जो शौक से मैं खाऊंगा। मतलब के जो इसमें समोसे में आलू का मसाला डाला हुआ यही डिश? जी जी, इसकी तो उसको कहा जाता है मैशेड पोटैटो। अच्छा, मैशेड पोटैटो जी, इसका मतलब यार वो तो बड़ी मजे की होगी जब समोसे के साथ इतना मजा आ रहा है इसमें। वैसे यार ये हमारा कीमे का समोसा तो ऐसा है जैसे मिसर की पारनी होती बिल्कुल वैसी बना हुआ है। भाई मुझे तो ये समोसे बेहद पसंद है, कीमे वाला भी और ये आलू वाला भी। लेकिन मैं अपने नाज़रीन से पूछना चाहूंगा कि आपको इसमें से कौन सा पसंद आया ज्यादा, कीमे वाला या ये आलू वाला? क्योंकि दीगर बैरून मतलब जितने भी ममालिक वहाँ भी ये चीज़ें हम मिलती होंगी, तो मेरे ख्याल में मुझे अगर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भाई ये आलू का तो ऐसे होता है ना, पहले आलू को पका लेते हैं, फिर इसमें मिर्ची धनिया वगैरह सब चीज़ें जो होता है इसमें मिलाते हैं, मिला के फिर ऐसे हाथ से मिला के सही तरीके से फिर इसको बनाया जाता है, फिर इसके जो ये पापड़ जो बने हुए होते हैं उसके अंदर लपेट के पका लेते हैं तेल में। ये तरीका है पकाने का, खाने का ये तरीका है कि डुबा के खाओ तो मजा आ जा रहा है। हम तो शाम के टाइम अगर कोई मेहमान वगैरह है ना, तो उसके साथ चाय के साथ जो है ना समोसे और ये बिस्कुट वगैरह ये जरूर शाम मतलब पेश करते हैं उनको।
अभी ये देखो ये खालस कीमा नहीं है इसमें, इसमें सब्जियां भी है कुछ मसाले हैं, तो इस वजह से ये 10 रुपये का है। अगर खालस कीमा हो तो कम से कम 50 रुपये का हो तो महंगा पड़ जाता है, इसलिए हम लोग ने ये सस्ता कर लेके खा रहा है, इसलिए ये सस्ता पड़ रहा है। आई एंजॉय अ लॉट। रंगूदा पार्टी का मुझे बहुत मजा आया आज, वैसे वाकई समोसा पार्टी करके तो बहुत मजा आया, क्योंकि इस चैनल पे वैसे तो नाश्ते बहुत किए लेकिन ये समोसे का नाश्ता वाकई बड़ा मजा आया। मैं भी तो फरमाइश करूंगा कि आएगा भी एक दिन, कभी न कभी मुझे ये समोसा खिलाए कोई अच्छा वाला कि मैं और खाऊं कभी नाश्ता। ये तो हमारे नाजरीन पे है कि वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो फिर उस हिसाब से हम इसकी और वैरायटी भी खा के दिखाएंगे कैसी है, तो और मजा आएगा। वो बताएं तो हमें और अच्छा लगेगा ना कि हम और वैरायटी भी हम उनको दिखाएं हमारी, उनके कहने पे तो समझो हमें मजा आएगा ना, हमें आगे फरमाइश करके ये करे वो ये खा के बताए, क्योंकि वो गोश्त में बना हुआ था और ताकतवर था, सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।